हेलो एवरीवन, मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ ताकि आप लोग भी अवेयर रहे इस चीज़ से। कल मैंने जस्ट स्टाइल से कॉल करके अपने लिए कारीगर और एक हेल्पर की डिमांड की थी। उन्होंने मुझे कुछ नंबर प्रोवाइड किए थे और फिर उनकी साइड से कॉल्स भी आने लगे मेरे पास। तो एक बंदे से मेरी बात हुई, ए टू जेड प्लेसमेंट करके उसका जो है कंपनी का रजिस्ट्रेशन नाम है। तो मेरी बात होने के बाद उन्होंने मुझे बोला कि मैम 2300 रुपये पर हेड आपको पहले ऑनलाइन पेमेंट करनी पड़ेगी। तो मैंने दो के हिसाब से 4600 रुपये उनको पेमेंट करी। उन्होंने बोला नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आपके पास कारीगर और हेल्पर पहुंच जाएगा। ठीक है, उसने मुझे सारा अपना PDF फाइल के थ्रू सारा भेजा, अपना आधार कार्ड और सारे डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सब भेजी। बात हुई, सब कुछ हुआ, सब कुछ क्लियर हुआ। मैंने पेमेंट करी उनके पास और सुबह से लेकर ये टाइम आ गया है ना, वो मेरे कॉल्स का आंसर कर रहा है, चैट मैसेजेस करने के बाद इवन वो ऑनलाइन हो रहा है लेकिन वो मेरे मैसेजेस कभी रिप्लाई नहीं कर रहा। मैंने जस्ट डायल पे कंप्लेन करी है तो वो लोग बोल रहे हैं कि ये वाला नंबर हमारे पास रजिस्टर्ड ही नहीं है। ठीक है, तो अगर कॉल मैंने जस्ट डायल से करी है और नंबर वहाँ से लिया है और उसको भी पता है मेरी क्या रिक्वायरमेंट है और वो उसी के रिगार्डिंग मुझे कॉल कर रहा है और बोल भी रहा है कि जस्ट डायल वालों से कि जस्ट डायल से मैम आपने रिक्वायरमेंट के लिए कॉल किया था, तो मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि आप जस्ट डायल से जो भी नंबर ले रहे हैं प्लीज़ उसको पहले अच्छे से कन्फर्म कर लें, क्योंकि मेरे पैसे बिल्कुल वेस्ट हो गए हैं। ये पेमेंट ना मुझे रिफ़ंड मिल रही है और उन्होंने सीधा बोल दिया है कि आप अपनी तरफ से पर्सनल कोई भी एक्शन ले लो, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। सो प्लीज़ आप कोई भी जस्ट डायल से रिक्वायरमेंट या कुछ भी किसी चीज़ के लिए भी कॉल कर रहे हैं पेमेंट ऑनलाइन करने से पहले उसको प्लीज़ अच्छे से एक बार चेक कर लें। ये वाकई फ्रॉड वाला काम हुआ है मेरे साथ। थैंक यू।